हेलो नमस्कार सभी दोस्तों को, आपके भाई गोलू जेसीबी की हम आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल ही होंगे। साथियों, वीडियो बनाए बहुत दिन हो गए हैं, क्योंकि घर के और दुकानदारी के जितने भी काम हैं उन कामों से ही फुर्सत नहीं मिल पाती, इसलिए वीडियो बनाना बहुत ही कठिन काम हो जाता है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको छोटा संदेश देना चाहता हूँ। साथियों, जो आप पीछे दृश्य देख रहे हो, ये खेत का ही दृश्य है, और इनमें से पीछे से आपको आवाज़ आ रही है पक्षियों की। देखो, ये आप सुन पाते हो, पक्षियों की भीषण गर्मी चल रही है ये। तो साथियों, इनके जो चूगा पानी की व्यवस्था के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पशु पक्षी हमारी प्रकृति ने जैसे हमें दिया है, इन्हें भी प्रकृति ने ही दिया है। प्रकृति की जो भी चीज़ दी हुई है, उन्हें एक दूसरे का साथ देना हमारा भी दायित्व बनता है, इसलिए पशु पक्षियों के लिए आपके घर में जितना भी हो सके, आपके आसपास या आप किसी भी फील्ड में हो, वहाँ देखो अभी भी साथियों आवाज़ आ रही है पक्षियों की, पीछे से बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। जितना भी हो सके साथियों, इनके लिए पानी की व्यवस्था करना, जैसे कि सकोरे होते हैं मिट्टी के, या फिर क्योंकि उनमें पानी गर्म नहीं होता, या फिर उनके साथ साथ इनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करना, क्योंकि इनके बिना भी संसार में कुछ नहीं है, इनकी भी देख रेख करना हमारा दायित्व होता है। और जब हम प्रकृति को कुछ करते हैं तो मन की संतुष्टि भी सबसे ज़्यादा होती है, और इससे साथियों घर में सुख शांति सबसे ज़्यादा प्रकृति देती है। ये जो आप देखते हैं कि खेत में देखते हैं, किसान भाइयों आप भी देखते हो, पक्षी कैसे पानी के लिए तरसते रहते हैं बेचारे। इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं ले जाना चाहता साथियों, आगे से भी आपका भाई गोलू जेसीबी की इसी तरह का छोटा मोटा संदेश, और जितना मेरे से हो सकेगा मैं सहायता करता रहूँगा। आपको पता है कि अक्सर हम तो सामाजिक कामों के लिए 24 घंटे जितना हमसे छोटा मोटा सहयोग हो सकता है तैयार रहते हैं। साथियों, करने को सब कुछ कर सकते हैं हम, अगर इंसान ठान ले तो कोई भी काम असंभव नहीं है। ठीक है साथियों, आगे से भी आपका भाई गोलू जेसीबी इसी तरह छोटा छोटा संदेश देता रहेगा। जय हिंद।